हाय गाइस, वेलकम बैक टू नॉस्टैल्जिक स्टोरीज़। और मेरा नाम है सौमित्र मंडल, आपका प्रिय नरेटर। सो गाइस, आज हमारे सीरीज़ बादशाह अंगूठी का लास्ट एपिसोड है। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर दीजिए। और आज की तरह हम जल्दी शुरुआत करते हैं बादशाह अंगूठी पार्ट 10, द फाइनल चैप्टर। शुरू हो रहा है बादशाह अंगूठी बाय सत्यजीत राय। जब हम घाट से निकलकर एक दुकान से 3 सेल खरीद रहे थे, तब तक घड़ी में 10 बज चुके थे। मैं और फिलुदा दोनों घर की ओर पैर बढ़ाए। मैं पूरा रास्ता सिर्फ यही सोचते आ रहा था कि फिलुदा के उस डब्बे से वो क्या चमक निकली थी। दिल से तो ये पुकार दे रही थी कि वो शायद से अंगूठी ही हो सकता है और कुछ भी नहीं। खैर, इसके बारे में मुझे आज रात फिलुदा से बात करना ही पड़ेगा। मैं चलने लगा। चलते चलते जब हम धर्मशाला के बाजू तक पहुंच चुके थे, तब तक हमने देखा कि दरवाजे पे मेरे पिताजी, वन बिहारी बाबू और एक आदमी धोती पंजाबी पहनकर खड़े थे। तीनों मेरे तरफ चलकर आए। मेरे पिताजी मुस्कुराते हुए कहे, फेलू तोपशे, हमारे कल के जाने का टिकट हो चुका है। हम 6 बजे निकलने वाले हैं, 2-2 गाड़ी बुक कर चुके हैं। मैं, तुम और हम सब जाने वाले। हमारे साथ ये भी है, इनका नाम है विलास बाबू, पाल्मोलॉजिस्ट। ये अलाहाबाद में रहते हैं, बहुत अच्छा हाथ देखते हैं। चलो हम अंदर जाके बात करते हैं। ये कहकर हम सब अंदर गए। हम काफ़ी देर तक खाना पीना खाए, फिर बैठ के सब आराम कर रहे थे। लेकिन वन बिहारी बाबू का हाथ विलास बाबू देखने लगे। विलास बाबू ने पूछा, सर आपका हाथ तो बहुत ही अजीब है, यानी कि इसका पैटर्न मुझको मतलब ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने जिंदगी में बहुत जगह घूमे हो, हाँ ये भी है, लेकिन क्या आपको क्यूरियो का कोई भी मतलब एक्साइटमेंट है? आपको क्या क्यूरियो शौकीन हो? क्यों, मैं क्यूरियो की तरफ क्यों जाऊं? मेरे इतने अच्छे पेट्स हैं मेरे पास, और मैं ये सब क्यूरियो व्यूरियो की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। ये सुनकर मैं और फिरुदा एक दूसरे की तरफ देखे। विलास बाबू कहने लगे, और एक बात, क्या आपको आपकी जिंदगी में किसी चीज की डर है? डर? हाँ, डर एक चीज की है मुझको। क्या मैं मेरी मौत का मेरे पेट से ही होने वाली है, या फिर कुछ और है इसके रीजन? क्या मैं कोई अननेचुरल डेथ मरने वाला हूं? विलास बाबू कहते हैं, नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। हो गॉड, अरे हमारे खाना पीना खाना है कि नहीं? चलो सब चलते हैं। धर्मशाला का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। मैं और फेलुदा और बाकी सब पेट भर के खा ली। यहाँ का खाना इतना ही टाइट हो गया था कि सबको जल्दी उस रात सोना पड़ा। मैं और फेलुदा एक कमरे में, पिताजी और डॉक्टर श्रीवास्तव एक कमरे में, और दूसरी तरफ विलास बाबू और साथ ही वन बिहारी बाबू। रात को जब सब चैन की नींद सो रहे थे, वहां पे मैं जागा था। मुझे हमेशा ये बात सता रही थी कि फेलुदा के पास वो अंगूठी है। मुझे अभी बात करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं बिस्तर से उठा तो मैंने देखा सब नाक से आवाज निकाल कर सो रहे हैं। मैंने देखा कि फेलुदा बाहर वरांदा में सिगरेट पी रहे हैं। मैं किसी तरह छुप छुप कर फेलुदा के बाजू तक पहुंचा और फुसफुसा कर कहा, फेलुदा तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। वो अंगूठी तुम्हारे पास ही है, मैं जानता हूं, मुझसे झूठ मत बोलना। तुझसे छुपा कर कोई फायदा नहीं है तुपशे। हाँ,
वो अंगूठी मेरे पास ही है। उस रात जब तुम सब सो रहे थे तब मैं ही जाकर कबर्ड से वो अंगूठी निकाल कर मेरे पास लाया था। इतना मुझे मालूम चल चुका था कि चोर इसके पीछे ही लगा है, उसलिए उसे जितना दूर हो सके उतने दूर ही रखना ठीक समझा। उस बार जब हम सब भूल भुलैया में घूम रहे थे, मैं इसलिए पीछे चला गया था क्योंकि वो नक्शा पूरा मेरे दिमाग में फिट होने वाला था। मैंने हर जगह प्रॉपर मार्किंग से एक कोने में चिंगम लगाकर उस अंगूठी के बक्से को छुपा दिया, जिसे वहां पर गाइड के अलावा, मतलब मेरे अलावा और कोई ना ढूंढ निकाल पाए। लेकिन बाद में जब ये मालूम चला कि हम लक्ष्मण झूला देखने के लिए निकलने वाले हैं, उसलिए मैंने भी यही तय करके उस दिन वापस लेकर आया मेरे पास। अब वो मेरे पास ही है। मेरा दिमाग जैसे चकरा गया। मैं चुपचाप उनके सामने सिर्फ पुतले जैसा खड़ा रहा। मैंने फिर कहा, फेलुदा, इसका मतलब तो तुम्हारे सर पे बहुत बड़ी मुसीबत है। और मुसीबत में ही छलांग लगाना, ये तो मेरा स्टाइल है तोपशे। अगले ही सुबह 6 बजे हल्ला मच गया। मैं, पिताजी और बाकी सब एक साथ बैग पैक करके निकलने लगे। बाहर निकलकर मैंने देखा कि 2 व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी है। वन बिहारी बाबू ने कहा कि एक में वन बिहारी बाबू, मैं और फेलुदा एक साथ जाने वाले हैं और दूसरे में ही विलास बाबू, मेरे पिताजी और डॉक्टर श्रीवास्तव। हम सब निकल रहे थे जब मेरे पिताजी ने पूछा, अरे वन बिहारी बाबू, हमें बहुत भूख लगी है, यहाँ कहीं खाने के लिए कुछ है क्या? वन बिहारी बाबू जल्दबाजी में ही कहे, हाँ हाँ, हाईवे के बाजू में बहुत अच्छा एक ढाबा है, हम वहीं से खा लेंगे। वहाँ आलू पूरी जो खाना है वो मर्जी मिलेगा, अभी देर करने से फायदा नहीं है। चलो चलो चलो, अभी निकलते हैं, चलो। और ये कहकर हमारी गाड़ी सफर के लिए निकल चुकी। मैं, फेलुदा और हम सब एक साथ सैर कर रहे थे। बाहर नजरिया को देखते देखते मैं कुछ देर के लिए भूल ही चुका था कि वो अंगूठी अब भी फेलुदा के पास ही है। ना किसी चीज का डर, ना किसी चीज का खौफ, हम सब चलते रहे। जब वन बिहारी बाबू गाना गाने लग गए, वन बिहारी बाबू गाने लगे, जब छोड़ चले लखनऊ नगरी, तब कर ब्यावर क्या गुजरी। और फेलू बाबू, कैसा लग रहा है यहाँ का आसपास? फेलू बाबू ने कहा, एकदम मनोरंजक। हम सब गाड़ी चलाते रहे जब वन बिहारी बाबू ने कहे, और तुपशे बाबू, आपको मालूम है कि इसी जंगल में जिम कॉर्बेट, जो इस दुनिया के लगभग सबसे महान शिकारी थे, यहां आकर उन्होंने एक लेपर्ड को मारा था। एंड ही इज नोन एज द मोस्ट प्रोफाउंड हंटर इन द होल वर्ल्ड। और मालूम है क्या, ये गाना गन, ये नाम सुनते ही मुझे एक ही चीज की मन करता है और वो है बंदूक। अरे ये कौन है? जब हमारी गाड़ी आगे चल रही थी तब हमारे कार के पीछे लगातार हॉर्न दिए एक कार ओवरटेक करके निकल चुका। वन बिहारी बाबू गुस्से से ही कहने लगे, जाओ जाओ और ओवरटेक करो, यहाँ पर साइड देने के लिए थोड़ी देर बाकी थी, तब तुम लोग को तो हजम नहीं होता है, अब सामने जाकर अगर क्रैश हुआ तो हमारे पास मत आना बाबू। खैर वो गाड़ी तो आगे निकल चुकी थी और दूसरी गाड़ी में, यानी कि जिसमें हम हैं, वो धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी। वन बिहारी बाबू ने कहा, देखो हम वहां सामने से लेफ्ट लेने वाले हैं, वो जंगल के बीच के रास्ते से जाएंगे, वहां पे एक घर है, हम वहां ठहरेंगे, वहां मेरा बड़ा पाइथन इंतजार कर रहा होगा। और मैंने सवाल पूछा, लेकिन हम तो लक्ष्मण झूला जा रहे थे ना? अरे तोपशे, तुमको किसने कहा कि यह लक्ष्मण झूला नहीं है? लक्ष्मण झूला तो यहीं से शुरुआत होता है, लेकिन वो टाइम निकल जाएगा, वो तो चला जाता है शहर। मेरा दोस्त एक साधु बाबा है,
मैं उधर से ही हम मेरा पायथन लेकर आता है और फिर हम चलेंगे लक्ष्मण झूला। कैसा, सब ठीक? मैंने उनके बातों में हाँ कहकर बाहर देखने लगा। हमारी गाड़ी जंगलों के बीच से निकलने लगी जब फेलुदा ने अचानक से कहा, बाप रे, इस जंगल में भी किसी का घर होता है। मैं बाहर देखा और एकदम चौंक गया। एक छोटा सा कोठा सीढ़ी लगाया हुआ खिड़की के साथ बड़े अच्छे तरीके से बीच में खड़ा है। मैं जैसे ही फेलुदा की तरफ से मुंह हटाकर ड्राइवर की गर्दन की तरफ देखा तो मैंने देखा कि ये कैसे हो सकता है, उसके गर्दन में तीन तीन उंगलियों के निशान है। ये उंगली इंसान की नहीं, ये कोई जानवर के, ये एक लेपर्ड का हो सकता है। किसी ने तो पंजा मारा है। मेरे मुंह से और शब्द नहीं निकल रहे थे। हम सब गाड़ी से उतरकर बाहर खड़े हुए। वन बिहारी बाबू जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे कोई है, हेलो कोई है, मैं मेरा पायथन को लेने आया था, हेलो। लेकिन कोई आवाज नहीं आया। वो कहने लगे, शायद से यही कहीं आसपास होगा, चलो हम तीनों जाकर ऊपर बैठते हैं। ये कहकर हम तीनों सीढ़ियों से चढ़कर अंदर घुसे। अंदर का रूम लगभग पूरा खाली ही था, कुछ भी नहीं है आसपास। हम तीनों चेयर लेकर बैठ गए। जब वन बिहारी बाबू अपने छड़ी को अपने हाथों में सहलाने लगे तब वो एकदम अचानक से एक सवाल पूछ बैठे, तो फेलू बाबू, अब आपको मेरा अंगूठी वापस देना पड़ेगा। मैं एकदम चुप। फेलुदा कहे, आपका अंगूठी? हाँ, मेरा अंगूठी। वो क्या है ना, आज से लगभग 25 साल पहले मैंने इस अंगूठी को खरीदा था एक कंपनी से, और उसी के कुछ ही दिन बाद मैंने प्यारी लाल से मिला कलकत्ता में। उसको मैंने दिखाया था ये अंगूठी। जब अगले ही दिन मेरे घर से वो चोरी हो जाता है। मैंने पुलिस केस भी लिखा था लेकिन कुछ कुछ फायदा नहीं। मेरे लखनऊ आने के कुछ ही दिन बाद मुझे थोड़े थोड़े खबर आने लगे कि प्यारीलाल सेठ यहां का एक बड़ा बिजनेसमैन है। जब मैंने उससे मिला और उसको मैंने ये बताया कि वो अंगूठी कहाँ है तो वो कहता है कि वो डॉक्टर श्रीवास्तव को वो दे चुका है। और मैंने जब कहा कि मेरी अंगूठी तो वो कहता है तुम्हारी कैसे, मैं तो तुम्हें पहचानता भी ठीक से नहीं हूं और तुम्हारे पास कौन सी अंगूठी है, मैं क्या कर लूं। ये सुनकर मैंने मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ये थी मेरी कहानी, मेरा अंगूठी मेरे पास आना चाहिए, जल्दी लाओ भी मेरे पास। तब फेलुदा ने कहा, रुकिए रुकिए रुकिए, वन बिहारी बाबू, इतना तो मुझे भी मालूम है कि बाहर वो सिख ड्राइवर और कोई नहीं, गणेश ही है आपका असिस्टेंट। तभी हम पर पत्थर फेंकना, कभी हम पर चिट्ठी मार कर फेंकना और कभी कभी तो सीधा मौत की धमकी भेजना, ये सब हमारे लिए पुराने नहीं है। आपको आपके काम सोच समझ कर करना चाहिए था। हाँ, और एक बात, प्यारी लाल सेठ के मरने के पहले उन्होंने जो शब्द कहा था स्पाई, उसका भी अर्थ ये होता है। आप काफी दिनों से प्यारी लाल सेठ को पहचानते थे, आपको ये जरूर मालूम था कि उनका हार्ट कमजोर है, फिर भी उस दिन जब उन्होंने आपको नकार दिया, आप लेकर गए थे आपकी दवाई, स्पाइडर, अफ्रीकन ब्लैक स्पाइडर, और इसी स्पाइडर को देखते उनको हार्ट अटैक आ गया। मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो सकता है। वन बिहारी बाबू का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। वो जोर से आवाज दिए, गणेश, और गणेश अंदर आया हाथ में एक बक्से को लेकर। उसने उस बक्से को जमीन पर रख दिया।
और खोलते ही उसके अंदर से एक आवाज आई, रैटल स्नेक। मैं डर के पीछे आ गया। फेलुदा बाजू में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। वन बिहारी बाबू और गणेश जब दोनों घर से निकल रहे, फेलुदा अचानक से उसके जेब से वही दंत मंजन का पाउडर निकाल कर उनके ऊपर फेंक दिया। वो खांसते खांसते गणेश ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से जोरों से एक आवाज जैसे कोई सीढ़ी में गिर चुका है, और गणेश खांसते खांसते जैसे कहीं चला गया। तभी अचानक एक गोली की आवाज आई, बहुत जोर से, जैसे जैसे हमारे घर के बाजू से चलाई गई हो। मैं बेहोश हो गया। तब तक फेलुदा ने वो डब्बे को उल्टा कर रैटल स्नेक के ऊपर डाल दिया, जिससे वो उस डब्बे से और ना निकाल पाए। दरवाजे खोलकर मुझे जब उन्होंने बाहर निकाला था, तब मैं बेहोश गिरा था। फेलुदा ने मुझको ये बताया था कि बिलास बाबू असलियत में पामोलॉजिस्ट नहीं है, वो असलियत में तो एक दरोगा है जो इसी केस पर जांच करने के लिए लखनऊ से भेजे गए थे। मैं बेहोश था। उधर महावीर का बेटा आकर गणेश के पैर में गोली मार दिया था, जिसके वजह से वो गोली की आवाज़ आई और जंगल के एक जगह पे गणेश अपने पैर को पकड़कर बैठा था। वन बिहारी बाबू जल्दी में निकलते वक्त सीढ़ियों से गिर गए और उनको जोरों के लगी थी। उसे लिए विलास बाबू ने उनके पास जाकर कहा था, सर आपका हाथ देखकर आपका फ्यूचर तो बहुत पता कर लिए हमने, अब आपके मुंह से आपके पास्ट के बारे में जानते हैं, चलिए। मेरे पिताजी और डॉक्टर श्रीवास्तव मेरे चेहरे पे पानी डालकर मुझे जगाए। मैं एक सेकंड के लिए जैसे डर चुका था। मैं जाग कर इधर उधर देखने लगा था। पिताजी ने कहा, तुपशे तू डर मत, मैं इधर हूँ, तेरा पिताजी। हाँ, हमने इनको पकड़ लिया है। बिलास बाबू ने हमको पहले बताए थे कि वहाँ से गाड़ी दूसरे रास्ते से जा रही है। हम तब भी गाड़ी घुमाकर वापस आए तेरे पास। पता चला कि ये सब हो चुका है। मैं चिल्लाकर कहा, फेलुदा किधर है। अचानक से मेरे शक्ल पे एक चमक रोशनी मुझे थोड़ी देर के लिए अंधा कर गया था। मैं इधर उधर देखकर देखा कि जंगल के बीच में फेलुदा अपने हाथ को सूरज की ओर रखे और उनके ही हाथ में चमक रहा है बादशाही अंगूठी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह खत्म होता है आज की कहानी बादशाही अंगूठी। ये सीरीज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत दिन की प्रिपरेशन लगी। वैसे मेरे टीम में कोई नहीं है मेरे अलावा, और उसीलिए हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं हर पॉसिबल वे में कोशिश करूँगा आपको और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनाने के लिए। वैसे सुनने में आया कि दिसंबर आ रहा है, अरे क्रिसमस है। वैसे सोच रहा था शर्लक होम्स को बुला ले इस बार। तो आज का कहानी और आज का सीजन यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस, मिलूंगा आपको दिसंबर में। साथ ही मेरे साथ रहेंगे 221B बेकर स्ट्रीट की शर्लक होम्स।